नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आई के आइकन पे क्लिक करके आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देख करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन किया है और डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल में अप्रूव नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरह से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका अप्रूव हो चुका है तो आपको क्या करना होगा। अगर आपका पैसा आ चुका है तो आपको कैसे चेक करना है। अगर आपका पैसा नहीं आया तो आपको क्या करना होगा। मैं सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में बने रहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और ओपन करते ही आपको यहाँ पे सर्च करना है पीएम किसान। पीएम किसान लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट नज़र आएंगे पीएम किसान का, जो भी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट वो आपके सामने नज़र आ जाएंगे। ठीक है, pmkisan.gov.in इस वेबसाइट का नाम है। और यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे ओपन कीजिए इसे और ओपन करते ही आपके सामने जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वेबसाइट है वो आपके सामने नज़र आ जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे देखिए फार्मर सेंटर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बेनिफिशरी स्टेटस, अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, आपका अप्रूव हो चुका है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए बेनिफिशरी स्टेटस में आप जा कर के यहाँ पे आपको चेक करना है कि हमारे कितने मंथ्स के पैसे आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पहले आधार नंबर डाल लेना है या अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर से भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा उस तरह से अवेलेबल अभी नहीं है जो कि हम आपको चेक करके बताएं। और यहाँ पे आगे चलते हैं बेनिफिशरी लिस्ट। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशरी पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके गांव पंचायत में जो भी है सारे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉक है यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे विलेज नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका विलेज का नाम है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना नाम, जो भी हमारा गांव का नाम है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए जो भी हमारे गाँव का जो भी लोग हैं पीएम किसान का जो भी लाभ उठा रहे हैं उन सारे का नाम हमारे पास आ चुका है लिस्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारे का नाम दिया हुआ है और इस लिस्ट को आप आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए अपने लैपटॉप या पीसी में कंट्रोल पी क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वह प्रिंट हो जाएगा। तो हमने ये बताया लिस्ट के बारे में। अगर आपका स्टेटस अप्रूव्ड नहीं हुआ है, आप उसका स्टेटस जानना चाहते हैं, तो आपके जो जो नीचे में ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन सीएससी फार्मर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। तो यहाँ पे इंटर आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे डायल करते हैं आधार नंबर। और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है। तो हमने यहाँ पे कैप्चा फिल कर, देखिए यहाँ पे आपके सामने जो भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये जो भी हमने ऑनलाइन किया था ये हमारा रिपोर्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इस तरह से आप रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ आधार नंबर और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे आपके सामने स्टेटस दिखाई देंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में है वो अभी यहाँ पे अप्रूवल नहीं हुआ है। जैसे हमारा अप्रूवल होगा वैसे हमारा बेनिफिशरी स्टेटस में दिखाई देने लगेंगे। आप वहाँ से आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो आपको ये कैसे प्रिंट करना है यहाँ पे हम बता रहे हैं। आपको अपने जो भी लैपटॉप है या पीसी है उसमें कंट्रोल पी कनेक्ट करना है।
टाइप करना है, और जैसे ही आप टाइप करेंगे कंट्रोल पी, आपके सामने जो भी प्रिंट होने का जो भी पेज होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, और आप वहाँ आसानी से प्रिंट कर पाएंगे इस स्टेटस को। और जो भी इस स्टेटस को जमा करना है आपको अपने मुखिया के पास जमा करना है, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ जाके जमा करना है, और वहाँ से जमा करने के बाद वो स्टेटस को ला के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचाएंगे और अप्रूव कराएंगे। वो उसका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा ऑनलाइन काम करने का था, आपने कर दिया, और ये भी जो स्टेटस है उसे ला के जमा कर दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही आप वहाँ पे जमा करेंगे कुछ दिन टाइम लगेगा, और इसके बाद अप्रूवल हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए बाय।